इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने मोबाइल फोन से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को किस तरीके से वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपके मोबाइल फोन से एक साल पहले, दो साल पहले या फिर छह महीने पहले या फिर दस दिन पहले ही फोटोज और वीडियोज डिलीट क्यों ना हुआ हो। क्योंकि देखिए अब के समय में काफी सारे यूजर्स अपने फोन में इम्पोर्टेंट फोटोज और वीडियोज रखते हैं जिसकी जरूरत उन्हें बाद में काफी ज्यादा पड़ती है, बट सडनली बाय मिस्टेक उनसे बहुत सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट हो जाते हैं और तब उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उन्हें उन सारे फोटोज और वीडियोज की जरूरत पड़ती है और वहां पर उनका फोटो और वीडियो डिलीट हो चुका होता है। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसा तरीका बताऊंगा जो काफी गजब का है और आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करके, तीनों मेथड को फॉलो करके इजी तरीके से अपने मोबाइल फोन से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बिल्कुल छोटी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को, सुनने को मिलेगी, तो एक बार जरूर जाकर के विजिट कीजिए और अच्छा लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, जो भी स्टेप मैं अभी आपको बताऊंगा इन सारे स्टेप को सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, आप इजी तरीके से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ गैलरी में, यानी फोटो वाले ऐप में। तो फोटोज को आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने पर इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब देखिए हो सकता है बहुत सारे ऐसे फोटोज होंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे गैलरी में, ठीक है ना। अब वो सडनली आपके फोन से डिलीट हो जाते हैं, मैं आपको लाइव डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यह एक फोटो है, ठीक है ना, इसको मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ और रिकवर कैसे करना है साथ ही साथ दिखाते जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा या फिर डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप सिंपल डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये डिलीट हो चुका है। इसके अलावा मैं दूसरा फोटो भी डिलीट करता हूँ, इस फोटो को यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो फोटो मैंने आपके सामने दो डिलीट किया है, दो फोटो को। अब आप चाहते हैं उन दोनों फोटो को रिकवर करना तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, फिर से फोटो वाला ऐप ही ओपन करना है या फिर गैलरी का ऐप होगा उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में रिसेंटली डिलीटेड, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने ही इन दोनों फोटो को डिलीट किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये फोटो पड़ा हुआ है, ओके, हो सकता है आप यहाँ से डिलीट नहीं किए होंगे तो वह फोटो आपके यहाँ पर पड़ा हुआ होगा और यह फोटो 30 दिनों तक यहाँ पर अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। मतलब कि मान लीजिए अगर आज के डेट में आप डिलीट करते हैं कोई भी फोटोज या फिर वीडियोज, तो आज से 30 दिनों तक वो फोटोज और वीडियोज यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा और आप चाहे तो रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और रीस्टोर फोटोज कर देना है। उसी तरीके से रीस्टोर पर क्लिक करना है दूसरी फोटो में भी और रीस्टोर कर देना है। अब देखिए वो जो फोटो आपने डिलीट किया था वो रिकवर हो चुका है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। फिर से फोटोज ओपन कर लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए फोटो रिकवर हो जाएगा, ऑल वाला आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए फोटोज आ चुका है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके रिसेंट डिलीट हुए फोटोज को या वीडियोज को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो भी डिलीट करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को मैं डिलीट करता हूँ, इस वीडियो को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, डिलीट टू वीडियोज, तो यह वीडियो भी वहां पर जाकर के सेव हो जाएगी। जैसा कि देखिए आप अगेन फोटोज वाला ऐप ओपन कीजिए और यहाँ पर एल्बम पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फोटो जो वीडियो मैंने डिलीट किया था वो यहाँ पर आकर के सेव हो चुका है और इसको आप सेलेक्ट करके रीस्टोर कर सकते हैं, सिंपल रीस्टोर वन आइटम, उसी तरीके से रीस्टोर कर सकते हैं, एक बार में एक से ज्यादा भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके आप रिसेंटली डिलीट हुए फोटोज या वीडियोज को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखिए दूसरा जो स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके आप लास्ट 6 मंथ का और मैक्सिमम 1 ईयर का फोटोज और वीडियोज रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि अगर 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले तक का फोटोज और वीडियोज डिलीट हुआ है आपके फोन से, तो आप उसे इजी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपल आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है, आपको दिख जाएगा, देखिए ये रहा डिस्क डिगर, आपने सुना भी होगा,
बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन ऊपर में ही दिख जाएंगे, सर्च फॉर लॉस्ट फोटोज और सर्च फॉर लॉस्ट वीडियोज। तो अगर आप फोटोज रिकवर करना चाहते हैं तो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप वीडियो रिकवर करना चाहते हैं तो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए परमिशन नीडेड का ऑप्शन है, तो आप पहले परमिशन अलाउ कर दीजिए, इसको अलाउ कर देना है और बैक आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैनिंग लिया जा रहा है, जितने भी फोटोज आपकी मोबाइल फोन से डिलीट हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए डिस्क डिगर हैज फाउंड 3954 रिकवरेबल फाइल्स, मतलब कि 3954 फोटोज यहाँ पर रिकवर करके डिस्क डिगर ने मुझे दे दिया है। अब यहाँ से आप उन सारे फोटोज को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप 4000 फोटो को देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फोटो आपके लिए जरूरी है जो डिलीट हो गया था, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इस फोटोज को मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी भी यह फोटो मेरे फोन में आ चुका है, इस बाइक का फोटो, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है, ओके। और उसके बाद अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो सिंपल रिकवर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, रिकमेंडेड सेव द फाइल्स टू एन ऐप ऑन योर डिवाइस सच एज ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, ईटीसी। और दूसरा ऑप्शन है सेव द फाइल्स टू कस्टम लोकेशन ऑन योर डिवाइस, और तीसरा ऑप्शन है अपलोड द फाइल्स टू एन एफटीपी, एसएफटीपी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सिंपल यूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए 5 फाइल्स सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नो थैंक्स कर देते हैं, ठीक है ना। इसका आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी 5 फोटोज को मैंने आपके सामने रिकवर किया जो पहले से डिलीट हो गया था। तो अब देखते हैं कि रिकवर हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको बैक आना होगा और अगेन आपको फोटोज वाला ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आप बैक आ जाइए, ठीक है ना। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इस 5 फोटो को मैंने अभी आपके सामने रिकवर किया था जो डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेप को फॉलो करके फोटोज और वीडियोज को इजी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप वीडियोज को रिकवर करना चाहते हैं, 6 महीने पहले, साल भर पहले जो वीडियो डिलीट हो गया है आपके फोन से, उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको स्कैन यानी कि सर्च फॉर लॉस्ट वीडियोज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए रिकवर किया जा रहा है, 60 फाइल फाउंड दिख चुका है, ठीक है ना। आप ओके कर दीजिए, जबकि मेरे मोबाइल फोन में 60 फाइल्स हैं भी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर 60 वीडियो आ चुका है। और यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए यहाँ पर वीडियोज का फाइल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल फोन में कितने वीडियोज हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 60 वीडियो फाइल्स रिकवर करके दिखा दिया गया है। अब इनमें से आपके लिए जो भी अच्छा है, जो इम्पोर्टेंट है, सिंपल आप उस पर क्लिक करके रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद रिकवर कर देना है, सेम वही प्रोसेस है, उस पर क्लिक करना है और यूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे, आपको अलाउ करना है, और देखिए ये रिकवर हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप कैमरा में जाकर के यानी वीडियो फाइल में जाकर के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वीडियो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करके लास्ट 6 महीने और लास्ट 1 ईयर का फोटोज और वीडियोज जो डिलीट हो चुका है आपके फोन से, उसे रिकवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए तीसरा जो स्टेप है ना, वो काफी गजब का है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। और इस सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए, अगर आपका फोटोज और वीडियो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले ही डिलीट क्यों ना हुआ हो, आप उसे इजी वे में रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने फोन में ओके गूगल फोटोज को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोज सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है सबसे ऊपर बैकअप, ये आपके मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा कुछ इस तरीके से, आप इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैकअप क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा, ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर और एक्सप्रेस का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओरिजिनल क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना।
इसके बाद मोबाइल डाटा यूजेज, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल 30 MB और भी कई सारे ऑप्शन से अनलिमिटेड इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बैकअप वीडियोज ओवर डाटा इसको भी इनेबल कर लेना है। ओके, उसके बाद बैक आ जाइए, बैकअप डिवाइस फोल्डर डाउनलोड एंड व्हाट्सएप इमेजेज, इस पर भी आपको क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि जो फोटोज आप डाउनलोड करते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल फोन में कोई सेंड करता है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से, तो आप उसको इनेबल कर दीजिए। जैसे टेलीग्राम इमेज इसको इनेबल कर दीजिए, शेयर मी या फिर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिखेगा, व्हाट्सएप वीडियो व्हाट्सएप इमेज, तो इन सारे ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस सेटिंग को करेंगे, ठीक है, तो अब आपके मोबाइल फोन में जितने भी फोटोज या वीडियोज आएंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर आपने डाउनलोड किया हो, वो सब कुछ इस जीमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी पर बैकअप होता रहेगा, ठीक है ना, बैकअप होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर स्टोरेज सिर्फ 15 GB का ही मिलता है, तो ये स्टोरेज फुल हो जाता है बहुत जल्दी, तो आपको स्टोरेज यहाँ पर अनलॉक करना होता है, परचेज करना होता है। तो यहाँ पर अनलॉक स्टोरेज डिस्काउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखिए स्टोरेज खरीद सकते हैं, गेट 100 GB ऑफ स्टोरेज विथ गूगल वन सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर देखिए ₹130 पर मंथ आफ्टर प्रमोशन एंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप परचेज कर सकते हैं 100 GB 200 GB का स्टोरेज, और उसके बाद आपका फोटोज और वीडियोज जो डिलीट हो जाता है आपके फोन से ऑटोमेटिक बाय मिस्टेक आपसे, तो आपके इसी जीमेल अकाउंट पर बैकअप होता रहेगा, और उसके बाद आप इस ईमेल आईडी के थ्रू आज से 5 साल बाद भी उन सारे फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर पाएंगे बिल्कुल ही इजी तरीके से इसी ऐप में आकर के, ठीक है। आपको सारा फोटोज और वीडियोज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप इजी वे में बहुत पुराने डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को अपने फोन में रिकवर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने फोन से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं।